आप यहाँ भी लगाए, यहाँ भी लगाए और नीचे भी लगाए, ठीक है, तो कितनी आपको देगी ईसीजी रिपोर्ट्स, कितनी आएंगी? अगर तीन लगी है तो तीन आएगी या एक आएगी? छह आएगी। आपके पास तीन लीड्स बचती है वो आपके पास छह ईसीजी देती है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप अगर किसी जी फ्रेंड ने किसी ने करा, अगर आपका ईसीजी रिपोर्ट देखो उसमें ये डायग्राम के अलावा और भी बहुत से आपके पास होती है डायग्राम, पिक्चर दिखाते हैं, डाउनलोड किए मैंने, ये आपके पास बस सिर्फ और सिर्फ लीड टू है। जितनी भी है, जितनी भी चेस्ट लीड्स है, B1, B2, B3, B4, B5, 6, या आपके पास ये भी जितनी है, ये सब मिला के हर एक लीड आपको एक नई डायग्राम देती है। लेकिन हम लोग कंसिडर सिर्फ और सिर्फ लीड टू को करते हैं, क्यों करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिप पर एक यहाँ लगा रहे हो, एक यहाँ लगा रहे हो, एक पाव पर लगा रहे हो, तो वो तीन लीड्स आपको छह ईसीजी देगी। कितनी देगी? छह देगी। और उसके अलावा आपके पास ये भी देगी। मैम छह से हमें कैसे? तो कितना हो गया आपके पास? 6+6 मतलब कि आपके पास जब ईसीजी रिपोर्ट आती है तो उसमें आपके पास 12 ईसीजी होते हैं। मैम इसमें सही वाली कौन सी? सही वाली सारी होती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, बताऊंगी, ठीक है, कि इसका फायदा क्या है। अभी हम पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास चेस्ट में है 6 इलेक्ट्रोड्स, लिंब में है आपके पास 3 इलेक्ट्रोड्स, जो लिंब में 3 है जो मिला के कितने देंगे? 6 रिजल्ट। तो 6+6 इज 12। मतलब कि जब ईसीजी कराओगे तो आप लेकिन वो रिजल्ट आपके पास 6 देंगे, कैसे देंगे ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो मैंने लिखा है 3+3 = 6, ठीक है, पढ़ते हैं। अब आपके पास ये जो है लिप की स्पेसिफिकेशन है ये, और ये ठीक है जी, थोड़ा सा लैग हो रहा है, ठीक है, अभी सब जी मैंने लगाए एरर्स ना समझ आए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन इसकी, थ्री लिप इलेक्ट्रोड्स की। एक आपके पास होते हैं थ्री यूनिपोलर और एक होते हैं थ्री बायपोलर। यूनि और बाय का मतलब क्या है? यूनि बाकी का मतलब इसमें जस्ट क्या हो जाता है, ठीक है।
यूनिपोलर का मतलब ये है कि मैं एक को पॉजिटिव कर दूं और बाकी सबको नेगेटिव कर दूं। अगर मैं इसको करती हूँ पॉजिटिव तो सबको मैं नेगेटिव कर दूंगी। बायपोलर का मतलब क्या होगा? टू दो जो है नेगेटिव होंगे, दो पॉजिटिव होंगे। यहाँ भी लगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लगे, लेकिन यूनिपोलर का मतलब ये है कि इन तीनों में से एक को पॉजिटिव कर दो और बाकी सबको नेगेटिव कर दो, या इसको पॉजिटिव कर दो बाकी सबको नेगेटिव कर दो, या इसको कर दो पॉजिटिव और बाकी सबको नेगेटिव कर दो। बाय का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए और बाकी जितने हैं वो न्यूट्रल हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर दूं पॉजिटिव, इसको मैं कर दूं नेगेटिव और बाकी सारे हो गए न्यूट्रल, तो इसको क्या कहते हैं? बायपोलर। क्लियर हो गया? अच्छा अब आते हैं दोबारा इस पे। थ्री यूनिपोलर की इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है एबीआर, एबीएल एंड एबीएफ। Right face is negative. तो करंट डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड।
डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। तो ये अब आप बताएं ये कौन सी थी, यहां से लेके यहां कौन सी थी? लीड वन। यहां से यहां लीड टू। लीड थ्री। और यहां से यहां लीड टू। तो ये सब कंबाइन करके ऐसा बनता है कि नहीं? यस यस। छह बनते हैं कि नहीं? यस। अगर अब इसके बीच में आप हार्ड रखते हैं हर रेखा से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके साथ साथ आप चेस्ट को भी, जो चेस्ट नोट्स थे उसको भी लिया है, आप और ज्यादा कवर हो रहे हैं। मतलब कोई भी एंगल नहीं छूट रहा आपको, हर एंगल से आपके पास क्या आएगी? एक्टिविटी आएगी। क्लियर हुआ आपको? जी रूम ऐसा क्लियर हो गया? ठीक है। पेपर पर ये आपके पास आ सकता है, लीड टू में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है, लीड वन में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव होता है, एवीएफ का मतलब क्या है, एवीएफ का मतलब क्या है, आपको पता हो? एवीएफ का मतलब क्या था? लेफ्ट फेस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। लीड थ्री का मतलब क्या था? मतलब के फुट दोनों किसी से पॉजिटिव जा रहा है। अगर ये अगर आपको याद करना है तो आप इसे याद कर सकते हो कि जो लेफ्ट फुट है वो दोनों केसेस में पॉजिटिव जा रहा है और